गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंदिरा द ब्लॉगर। आज है मंडे 13 मार्च और शाम के 5 बज रहे हैं। सो गुड इवनिंग, आज हम लोग आए हैं जैनसंस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर, ये है थाने में और हम रहते हैं भाईंदर। भाईंदर से आए दादर, दादर से थाने बाय लोकल ट्रेन। अब चलते हैं, यहाँ पर क्यों आएँ। ऑल इंडिया ट्रेवल के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट चाहिए, उनमें से एक इक्विपमेंट आज हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जैनसंस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर के अंदर और क्या क्या कैंपिंग और ट्रेवलिंग वाले इक्विपमेंट्स हैं। चलो, सो गाइस, जैनसंस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर के अंदर जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने निकाला था, जिनका मैंने नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखा था, वो थे अनुराधा पाटिल। उनकी डिस्क्रिप्शन में ये हैं जय भाई, इनका नंबर ढूंढा था। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में और इस स्टोर के बारे में? एक्चुअली ये हमारा एक एडवेंचर स्टोर है थाने में, सो इट्स लाइक कैंपिंग टेंट्स, ट्रैकिंग के जितने बैग्स वगैरह है, शूज़ वगैरह है, ये हमने स्टार्ट किया है। एंड खुद भी ट्रैकर हूँ मैं, सो इट्स लाइक आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस भी, एंड काफ़ी चीज़ें टेस्टेड है, ट्राइड है। So, आप खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट? एंड अदर ब्रांड्स आल्सो? अदर ब्रांड्स आल्सो, यस, डेफिनेटली। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पे ही है, यहाँ पे बेसमेंट में, हम सब इसको देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो चले, चलो गाइस, देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। सबसे पहले जय भाई को ये बता दिया जाए कि मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, एंड जय भाई और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं किसी का डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर ढूंढ करके आया, वैसे और भी कोई ट्रैवलर अगर यहाँ पर आना चाहता है थाने में तो आ सकता है, चाहे जहाँ भी रहता हो, क्योंकि मैं बहुत इजीली आया हूँ भाईंदर से दादर, दादर से थाने। सो यू कैन ऑल्सो कम। सो जय भाई, मुझे एक्चुअली चाहिए स्लीपिंग मैट फिलहाल, एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें चाहिए हैं, बट वो जब बजट बनेगा तो फिर से आएंगे। सो आप पहले मुझे स्लीपिंग मैट मेरे लिए दिखा दीजिए, बाकी लोगों के लिए मेरा लेने की बात है। ओके, टेंट्स के अंदर आपको टेंट के अंदर सोने के लिए चाहिए। बल्कि हो जाता है बहुत कैरी करने के लिए, और वापस इसका मेन जो ये है ना, फोल्ड करने के बाद जो स्पेस है, ये तो 8 mm है, ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं बैग के ऊपर। 12 mm जो है वो इतना हो जाता है, तो वो आप बैग पे लगाए गए ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो झाड़ वगैरह में अटकने का चांस रहता है, चढ़ने के टाइम फोर्ट्स में कहाँ पे पत्थर में फंसने का चांस रहता है, इतना बल्की हो जाता है। यही वेट यार, एक्चुअली मुझे लगता है शायद 250 ग्राम भी नहीं होगा, सीरियसली। कितना वेट है इसका? इसका 200 ग्राम का, 200। गाइज, भाई ने बोला कि ये 8 mm है, और 8 mm मुझे नहीं लग रहा है कि ये कम है, काफ़ी इनफ लग रहा है। भाई क्या ये क्वालिटी है इसके अंदर, क्या मटेरियल है इसके अंदर? फोम शीट है, फोम शीट के ऊपर पॉलिस्टर फैब्रिक है, ये हम लोग इनहाउस यहाँ पे बनाते हैं। वॉश कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाटर प्रूफिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वाटर रेजिस्टेंट है जो फैब्रिक है, पॉलिस्टर फैब्रिक है, 210 थिकनेस का फैब्रिक है, वाटर रेजिस्टेंट है 100%। ओके, एंड और क्या दिखाएंगे आप अभी इसमें, और क्या है इसमें? मैट में ही, मैट में एक ही ऑप्शन है, फिर अदरवाइज एक योगा मैट आती है। नो, वो तो चाहिए ही नहीं। वो तो भाई कैसे भी ले लेते, मुझे चाहिए था यही। सो तो ये परफेक्ट है। बाकी एंड इसमें कोई कलर वगैरह? इसमें आर्मी, ओनली आर्मी, यस, डार्क आर्मी। सो आर्मी का कितना बड़ा मैं फैन हूँ आज मैं साबित कर दूंगा आर्मी वाले पैटर्न लेकर के, क्योंकि आप शर्ट भी देख रहे हो ऑब्वियसली। वो ब्रो, मैं बहुत बड़ा लवर हूँ, मैं आर्मी फैन हूँ, सीरियसली आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी और किसी की नहीं करता। सभी की लेंथ क्या सेम ही आती है? हाँ, सभी की लेंथ सेम। मोस्ट ऑफ लेंथ कितनी ज़्यादा होती है? 6.5 feet बनाया है। 6.5, कोई अगर मुझसे भी ज़्यादा लंबा है? इंडियन जितने भी है, इंडियन सबको तो आराम से हो जाएगा यार। इससे बड़ा चाहिए तो बना के भी दे सकते, कोई है 7 foot वाला बंदा या 8 foot वाला बंदा? ये स्लीपिंग मैट मैंने डील डन कर दिया, मैंने कंफर्म कर दिया, 350 rupees का है ये, एंड मुझे लगता है कलर के हिसाब से और जो इसके अंदर मटेरियल है उसके हिसाब से 350 बहुत अच्छी प्राइस है, बहुत अच्छा डील है। तो गाइज़, मैंने जो रक्सैक शॉर्टलिस्ट करके रखा था फ्लिपकार्ट में, ऐड टू कार्ट करके रखा था कि कभी देखूंगा एंड परचेस करूंगा जब बजट बनेगा तो, बट जय भाई के पास ये भी अवेलेबल है। मैंने सोचा यार ऑनलाइन लेने से बेटर है कि ऑफलाइन ले लिया जाए। सो ये वही है ट्राइफोल कोलोनल 80 लीटर, एक्चुअली मैं 95 लीटर के पास जा रहा था, पर मुझे लग रहा है 80 लीटर इनफ है जितना सामान मैं कैरी करने वाला हूँ। जय भाई, आप इसके बारे में, रक्सैक के बारे में क्या बताना चाहोगे, लोगों के क्या फीडबैक हैं, आप पर्सनली इसके बारे में कितना जानते हो, कितना आप लोगों को बोलना चाहोगे कि ये रक्सैक कितना मतलब लोगों के इस्तेमाल के लिए बढ़िया परफेक्ट है? इट्स लाइक अगर आप ट्रैवलर हो या ट्रेकर हो जो 7 days+ अगर ट्रैक प्लान कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक इट्स द बेस्ट बैकपैक।
जो इसका मेटल फ्रेमिंग है, जो इसका बैकरेस्ट है, जो इसका फैब्रिक यूज़ किया है, स्पेशली डिफेंस ग्रेड फैब्रिक जो यूज़ किया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एकदम बिल्ड फॉर द वर्स्ट ऐसा है। मतलब okay. कितना भी टेरेन वर्स्ट हो आपका या कैसा भी कंडीशन में रख यूज़ करें तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। प्लस इसके आगे डिटैचेबल डे पैक आती है छोटी सी। अच्छा, ये इसके साथ में आती है। अगर आपको चाहिए तो ये फ्रंट में आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे। Okay, तो okay. अटैच अगर आपको सेपरेटली यूज़ करना है तो अभी छोटा सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो। दो ही ऑप्शन है इसमें। ओके, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फीचर्स बता दें। ओके, फीचर्स तो आप देखेंगे तो पहले तो ये कुशनिंग वाला जो बैक सपोर्ट दिया है सबसे बेस्ट है। ये तो आपको लॉन्ग ट्रिक्स पे काफ़ी कंफर्टेबल होगा। हाँ। ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। प्लस ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आप इसमें जो वेट है वो डिवाइड कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर आपको शोल्डर पे चाहिए, बैक पे चाहिए, जो आप अकॉर्डिंग टू योर यूज़ आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ एक रेन कवर आता है नीचे इनबिल्ट फ्री, जो यूजुअली कोई भी मतलब जैसे वाइल्डक्राफ्ट वगैरह आप देखेंगे तो कोई भी ब्रांड्स यूजुअली रेन कवर प्रोवाइड नहीं करते। इवन डिकैथलॉन भी नहीं करता। ये 1000 रुपये चार्ज करते रेन कवर का। इट्स लाइक ये भी साथ में है रेन कवर। एक्चुअली यहाँ पर है यार। तो इट्स लाइक रेन कवर भी आपको साथ मिलता है, एकदम कॉम्पैक्ट है ये भी। प्लस वेस्ट पाउच में एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप एसेंशियल्स कैरी कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा बेसिकली चेंज कैरी करना है या आपको कुछ खाने के लिए छोटे मोटे स्नैक्स कैरी करने जो हैंडी रखने हैं वो भी रख सकते हैं। या फिर व्लॉगर्स चाहें तो अपना इसके अंदर शॉटगन माइक रख सकते हैं। शॉटगन माइक, गोप्रो भी आ जाएगा आपका। ऑब्वियसली भाई, गोप्रो एंड बैटरीज भी एक्स्ट्रा एक आ सकती है। डेफिनेटली आ सकती है। बाकी तो इसमें एक्चुअली तो ऐसा काफ़ी फीचर्स है। ये एक शू कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ये मेन कंपार्टमेंट है, साइड में दो पॉकेट्स है, पूरा वेब मोल्डिंग किया हुआ है इसमें। ये जो दिए हुए हैं ये आपके ट्रैकिंग पोल्स अटैच करने के लिए लूप्स दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकेंगे। हाँ हाँ, तो ट्रैकिंग पोल्स भी आपको बैग में रखने की जरूरत नहीं, आप इस पर अटैच कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ट्रैकर है, ट्रैवलर है, लद्दाख स्पीटी आप कोई ट्रैवल कर रहे हो तो एकदम नथिंग लाइक इट, एकदम बेस्ट बैग है। सही है। अच्छा, आप एक और चीज़ बता दो। जैसे कि मेरे माइंड में था कि मैं 95 लीटर की तरफ जा रहा था, बट इसको देख करके 80 लीटर का जो साइज है वो देखकर मुझे लग रहा है कि यार 95 ना लेते हुए मुझे 80 लीटर ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए इनफ लग रहा है। तो आप 85 में कितना गैप देखते हैं, वो कितना बड़ा है इससे? एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक आप देखोगे ना तो एक 2 से 3 इंच का डिफरेंस आता है हाइट में। और इट्स मेन डिपेंड करता है द वे यू फिल इट, आप कैसा इसको फिल कर रहे हो वो मैटर करता है। क्या वेट है एक्चुअली, चीजें क्या आप रख रहे हैं इसके अंदर। एग्जैक्टली, और अपने बॉडी के हिसाब से भी अभी आपका जो फिजिक है वो हिसाब से 80 मोर देन सफिशिएंट। हां, मेरे लिए मुझे तो लग रहा है यार इसको देखकर मुझे लग रहा है 75 या फिर 70 की तरफ जाना चाहिए, बट 80 इनफ है मेरे हिसाब से। अब 95 की तरफ नहीं जाऊंगा, ये भी अभी इसको शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर कर देते हैं। इसको जरा मैं देख लेता हूँ। पेन लीजिए ना आराम से। हाँ, रोज आप क्या लोगे सर जी, चाय कॉफ़ी? आप बोलो। थैंक यू सो मच। चाय चल जाएगा। नथिंग कुछ तो चल जाएगा। सही है यार, बहुत सही है, बहुत सही चीज़ है। सो गाइस, ये है रक्सेक एंड मैंने इसको डाल इसलिए लिया कि मैं प्रैक्टिकली फील करना चाहता हूँ कि कैसा लुक आएगा एंड आप लोगों को व्लॉग में एक्चुअली कैसा दिखेगा, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया ट्रैवल के दौरान पता नहीं कैसी कैसी कितनी खूबसूरत लोकेशंस आएंगी एंड उस लोकेशंस पर मुझे नहीं मालूम कितने शॉर्ट्स और कितने रील्स बनेंगे। ओके, सो एक बार ज़रा दिखाना कि ये कैसा दिख रहा है साइड से या फिर बैक साइड से। नाइस, सही है भाई। सो गाइस, रक्सेक के साथ में जो डिटैचेबल डे पैक आता है वो भी आप देख लो, कुछ ऐसा दिख रहा है यार। ये डे पैक जब मैंने फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन में कहीं और पर देखा था काफ़ी शॉर्ट साइज़ लग रहा था, पर आप देख लो अभी 5.5 इंचेस की मेरी हाइट है और उस हाइट के हिसाब से ये कैसा लग रहा है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है सारे पावर बैंक्स, चार्जर्स, केबल्स, मेरा छोटा वाला ट्राइपोड, माइक, हर एक चीज़ इसमें आ सकती है। सो मुझे कोई एक्स्ट्रा लगेज या एक्स्ट्रा कोई बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ मेरे लिए डे पैक नहीं, ये भी समझ लो रेगुलर पैक होने वाला है। पीछे रहेगा रक्सेक एंड आगे रहेगा ये डे पैक, सो इसको भी कैरी करेंगे। एंड इसका जो प्राइस है, इसका जो रेट है, जो मुझे ऑनलाइन मिल रहा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है वो मैं नहीं बताऊँगा, कि तो वैसे आप भी अगर लेना है सो यहाँ थाने में जेंसन्स अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आ करके जय भाई से, और या फिर इनके अलावा अगर ये नहीं रहते हैं, इम्पॉसिबल कोई और रहता है सो उनसे बात करके ले सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो वो यहाँ पर अवेलेबल है। नाम इंद्रा द ब्लॉगर, बहुत न्यू चैनल है इंद्रा द ब्लॉगर। इंद्रा द ब्लॉगर, यस। मैं गांव गया था ना तो ये गांव का है। अच्छा, क्या अच्छा। बोल रहे हो कि स्किन? हाँ हाँ, स्नेक कहा, वो तो मैं कह रहा हूँ ट्रैक्टर। सो जय भाई, मेरी अमानत मुझे दो एंड अब चलते हैं और फिर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी यार, है ना। 100% ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। जय हिंद। थैंक यू सो मच भाई। यस, थैंक यू। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने सब कुछ चीज़ें देख ली जो भी मैंने दिखाया और जो चीज़ें मुझे दिखाना सही लग रहा था। ओके, सो ये मैंने मैट ले लिया है, इसको लेकर के चल रहा हूँ।
अब इसको यूज़ कैसे करेंगे और मतलब इसके बारे में अगर कुछ डिटेल चाहते हो तो कमेंट कर देना, डिटेल वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ट्रेवलिंग करने के दौरान आपको काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो तो बताऊँगा ही। बाकी इस चीज़ को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ट्राईपोल का रक्सेक, दैट इज इट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। जय हिंद।